शीघ्रता से आते आते जाए, समय बहुत सीमित है, एक क्षण का हमें सदुपयोग करना है। जय कुमार जी साहेब छतरपुर से, केवल चंद जी बमीठा से, महेंद्र जी राजनगर से, रमेश जी चंद्रनगर से, मुकेश ग्रेनाइट छतरपुर से और राजू सेठ जी साहेब हमारे बीच उपस्थित, सभी लोग कृपया शीघ्रता से आते चले जाएंगे। मित्रों ऐसा माहौल आज पूरे भारतवर्ष का बन चुका है, हर व्यक्ति अपनी निगाहों में सिर्फ एक ही छवि को अंकित करना चाह रहा है, वो छवि है आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। हर व्यक्ति बस एक एक ही बात कह रहा है कि ना दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है। मित्रों ये मेरी भावना नहीं है, भारतवर्ष और भारतवर्ष के अलावा विदेशों में बैठे हुए करोड़ों करोड़ अहिंसा धर्म के उन अनुयायियों की वो बात है कि ना दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, अरे हमें तो अपने गुरुदेव के सजदे में सिर्फ सिर झुकाना पसंद है, हमें तो अपने गुरुदेव के सजदे में सिर झुकाना पसंद है। बस उन्हीं विनत भावों के साथ करोड़ों करोड़ लोग आज आचार्य भगवंत के चरणों में विनत प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। 50 वर्षों का वो साधना काल, जिस साधना काल ने पूरे भारतवर्ष की सरजमी को चमत्कृत करके रख दिया, हमने साधना के सुमेरु की चर्चा सुनी थी, लेकिन आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज को देख करके, उनकी साधना को देख करके हम सभी लोग इस बात से परिचित हो सके कि साधना का सुमेरु अगर कहीं देखना है तो हमारे परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज है। चित्रानावृत होता हुआ जोरदार करतल ध्वनि एक बार आप सभी की दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच उपस्थित हैं संजय मैक्स जी इंदौर से, वीरेश सेठ साहिब दमोह से, संदेश जैन साहिब जबलपुर से, अजय दनगसिया जी अजमेर से हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही मैं निमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच आदित्य मनिया जी साहिब उपस्थित हैं, कृपया बेबी अचाएं और आकर दीप प्रज्वलन के क्रम को संपन्न करें। विनोद जी साहिब जसपुर से हमारे बीच हैं, ऋषभ जी साहिब मिर्जापुर से और सम्माननीय पन्नालाल जी बैनाड़ा साहिब आगरा से हमारे बीच आए हुए हैं। सभी को मैं निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आप आएं और आपके पावन हस्त कमलों से ये दीप प्रज्वलित हो। मेरा निवेदन सीधा सीधा आप कृपया दीप प्रज्वलन के लिए यहां उपस्थित हो जाएं। दीप प्रज्वलन के लिए सभी सुधीजन कृपया सीधे सीधे यहां उपस्थित होते चलेंगे। और एक अनूठा आकर्षण मित्रों हम सभी के बीच में कि हम सारे लोग एक डोर से बन जाया करते हैं, जब जब गुरुदेव के चरणों में आकर के बैठ जाते हैं ऐसा लगता है कि सारा का सारा संसार बेगाना हो गया है, बस एक ही हो दीप जले यहाँ दीप जले जगमगी ज्योति जले जगमगी ज्योति जले अज्ञान का दूर भगे चूंकि समय बहुत सीमित है हम बड़ी तीव्र गति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलें। हमारे बीच सम्मानीय ब्रह्मचारी भैया जी उपस्थित हैं, समग्र ब्रह्मचारी भैया जी, मेरा उनसे निवेदन सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के करवद्ध हाथों से गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और समग्र ब्रह्मचारिणी दीदी जी हमारे बीच है, उनसे भी मेरा निवेदन होगा सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और भाव तो सबके अंदर यही सन्निहित है, किन नमोस्तु के अंदर एक ही भाव सन्निहित है कि परम पूज्य गुरुदेव के हाथों से सभी को दीक्षा प्राप्त हो, सभी का कल्याण हो। इन्हीं भावों के साथ सभी ब्रह्मचारी भैया और समस्त ब्रह्मचारिणी दीदी गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रही हैं। सभी लोग शीघ्रता से कृपया आगे की ओर आ जाएं, आप वहीं नीचे और नमोस्तु निवेदित करें। नमोस्तु गुरुदेव, होते दो आशीर्वाद गुरु पर, दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद गुरु पर, दे दो आशीर्वाद। ओ मेरे अब मैं बहुत आदर सहित निमंत्रित करना चाहूंगा परम सम्मानीय श्री अशोक जी पाटनी। जब छुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज श्री ने राम गोपाल भंडारी जी को एक प्रेरणा प्रदान की थी कि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचे और पहुंच करके निवेदन करें कि एक बार मूक माटी के उन प्रसंगों पर आचार्य भगवंत के माध्यम से उनकी कविताओं के भाव हम सबको प्राप्त हो सके, राम गोपाल भंडारी जी ने आचार्य भगवंत के चरणों में निवेदन किया और सन 1988 में आचार्य भगवंत के श्रीमुख से कविताओं के भाव हम सबको सुनने मिले थे। मित्रों उसी समय राम गोपाल भंडारी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, इन कविताओं को चित्रों के रूप में, उन भावों को चित्रों के रूप में तैयार किया, लेकिन 1988 से लेकर के अभी तक वो सारे के सारे चित्र सुरक्षित कहीं रखे हुए थे, क्योंकि मूक माटी पर कोई चित्र बना दिया जाए तो वो सामान्य चित्र नहीं होता है, बल्कि वो एक पांडुलिपि के रूप में इतिहास की धरोहर बन जाया करता है। मित्रों इस समय में राम गोपाल भंडारी जी के सुपुत्र अशोक भंडारी जी ने पुनः इन चित्रों को परिमार्जित किया और वो एक पुस्तक के रूप में आप सभी के तैयार होकर के यहाँ आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा सम्मानी श्री अशोक जी पाटनी साहेब और श्रीमती सुशीला पाटनी जी से कि उनके हस्त कमलों से कृपया
विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हो। देवा हो गुरु देवा, देवा हो गुरु देवा। निवेदन करूंगा, राजा भैया जी सूरत से हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रभात जी साहेब मुंबई से उपस्थित हैं, मंच पर उन्हें निमंत्रित करूंगा। सभी ने निमंत्रित हैं, कृपया शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। और एक और विमोचन हम सभी के बीच होने जा रहा है, अंतरयात्री संस्कृति शासक का। मित्रों, सन 2015 से एक क्रम प्रारंभ हुआ, चुल्लक श्री धैर्य सागर जी ने जो क्रम प्रारंभ किया था कि भारत वर्ष में चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, चाहे विधानसभा के सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय हो, राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग से लोग हो, चाहे वो 25 कुलपति जिन्होंने आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के व्यक्तित्व पर अपने श्रद्धा सुमन अपने शब्दों के माध्यम से संचित करते हुए हम तक संप्रेषित किए थे, जिसे एक पुस्तक के रूप में अंतरयात्री संस्कृति शासक के रूप में प्रकाशित किया गया है, उसका विमोचन आज पंकज जी राजा भैया सूरत वालों के हस्तकमलों से और प्रभात जी मुंबई वालों के हस्तकमलों से होने जा रहा है। मित्रों, जब ये कृति यहां पर विमोचित हो तो आपकी तालियों के स्वर इतनी जोर से अनुगुंजित होनी चाहिए कि ये अनुगूंज खजुराहो के बाहर पूरे भारतवर्ष तक पहुंचे। जोरदार तालियां आप सभी की। गुरुवर को कैसे मिले जैसे सभी को राम, सभी के हाथ ऊपर, सभी के हाथ ऊपर, 1 2 गुरुवर को ऐसे मिले जैसे सभी को राम मिले गुरुदेव। अब अगले क्रम में सभी ने निमंत्रित करूंगा, पंकज जी साहिब दिल्ली से हमारे बीच हैं, विनोद जी कोयला वालों से निवेदन होगा, सुधीर जी साहिब कटनी से हमारे बीच हैं, मंच पर उन्हें निमंत्रित करूंगा। और विद्या भारत, मित्रों एक सचित्र कैलेंडर हम सभी के बीच प्रकाशित हुआ है, इस चित्र में वो सारे भाव सन्निहित हैं जो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज ने अपनी पावन प्रेरणा में हम सभी को प्रदान किए, चाहे वो हथकरघा की स्थापना हो, चाहे प्रतिभा स्थली की स्थापना हो, चाहे वो भारत इंडिया नहीं भारत बोलो अभियान हो, इन सारी चीजों को एक कैलेंडर में समाहित किया गया जो आप सबके घरों में सुशोभित होगा। आज उसका विमोचन भी इस मंच पर होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा पंकज जी साहिब दिल्ली वालों से, विनोद जी साहिब और साथ ही सुधीर जी साहिब से, कृपया वे आए और आकर इसका विमोचन करें। श्रीमती प्रियंका गुहारा जनाबी हो, संगीतकार के पास आए श्रीमती प्रियंका गुहारा। विद्यासागर नाम हमें प्राणों से दे प्याया है, विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों से दे प्याया है, तो है दो बुक नारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ मेरे जीवन का सहारा है, एक तेरा साथ। संकल्प सिंह जी कृपया अग्रिम पंक्ति में आ जाएं, संकल्प जी कृपया आ जाएं। और एक और विमोचन हम सभी के बीच होने जा रहा है। हमने भारत में एक हिंदी भाषा अभियान को चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हुए देखा है, ये सब कुछ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की प्रेरणा से संभव हो सका है। भारत में भाषा का मसला विश्लेषण और समाधान, इस कृति की लेखिका है डॉक्टर विजया लक्ष्मी जैन, मैं उन्हें सविनय निमंत्रित करूंगा। साथ ही ब्रह्मचारिणी उन्नति दीदी, ब्रह्मचारिणी नीरज दीदी को मैं यहां आमंत्रित करना चाहूंगा, उनके हाथों से ये विमोचन संपन्न होगा। और इसमें वो सारी बातें इस पुस्तक में समाहित की गई हैं कि भाषा की समस्या इस भारत वर्ष में आखिर क्या है और इनके प्रायोगिक समाधान आखिर क्या हो सकते हैं, और साथ ही ये सचित्र सारी चीजें उस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगी। और आप उस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, भारत वर्ष के हर घर में ये पुस्तक पहुंचे, और उसके बाद आपके सुझाव भी आमंत्रित होंगे उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप सारे लोग इसमें और क्या सन्निहित करना चाहते हैं। मेरा निवेदन होगा ब्रह्मचारिणी नीरज दीदी जी से, सविनय निवेदन होगा ब्रह्मचारिणी उन्नति दीदी जी से, प्रतिमा मंडल से हमारे बीच हैं, ससम्मान सविनय मेरा निवेदन होगा कृपया शीघ्रता से आ जाएं और इस कृति का विमोचन करें, आपके हाथों से ही ये संपन्न हो जाए। बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी हमारे बीच है, मेरा निवेदन कृपया मंच पर निमंत्रित है, आप आ जाए।
आपके हस्त कमलों से इस कृति का विमोचन संपन्न हो और संयम स्वर्ण महोत्सव को पूरे भारतवर्ष में हम सभी लोगों ने प्रभावना के साथ मनाया। बड़े लोक उपयोगी कामों के साथ साथ प्रभावना के काम पूरे भारतवर्ष में होते रहे हैं। इस संयम स्वर्ण महोत्सव की भूमिका के पीछे जिन्होंने अपना श्रम किया वो बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी थे, जिन्होंने पूरे भारत और विदेशों को एक सूत्र में बांध करके संयम स्वर्ण महोत्सव को इस पूरे विश्व में आयोजित किया। उनके हाथों से ये कृति विमोचित होती हुई, तालियां आपकी कमजोर दिखाई दे रही है। मेरा जेले धरम इसको सत्य सत्य नमन, जन्म इसमें मिला तो मजा आ गया। मेरा जेले धरम इसको सत्य सत्य नमन, मेरा जेले धरम इसको सत्य सत्य नमन, जन्म इसमें मिला तो मजा आ गया। आपके द्वारे हम करते हो जावन, दर्शन तेरा मिला तो मजा आ गया। और एक और महत्वपूर्ण का आज काम इस मंच से आज होने जा रहा है। हम इस भारत के पर्यावरण को आखिर शुद्ध कैसे बनाए, इसकी भी एक पहल हम सभी लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज के दिवस 10,000 पौधों का वितरण इस खजुराहो के परिसर से होने जा रहा है, इस तीर्थ के परिसर से होने जा रहा है। एक न्योछावर राशि उसके लिए निर्धारित होगी। आप सारे लोगों से मेरा निवेदन होगा, मीठी नीम के वो पौधे होंगे, हर व्यक्ति यहाँ आने वाला उस पौधे को लेकर के जरूर जाए और अपने नगर ग्राम शहर में उस पौधे को ले जाकर के जरूर लगाए और ये संदेश अपने शहरों में दे कि मैं एक पौधा खजुराहो से लेकर के आया हूँ, लेकिन ये एक पौधा 10,000 पौधों में आपके शहर में परिवर्तित हो जाए, 1,00,000 पौधों में परिवर्तित हो जाए। मित्रों, मनीष नायक जी साहब ने भी एक जानकारी दी थी कि 1,000 पौधे वो लगाने जा रहे हैं। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां सभी लोग बजाते हैं। और इसी क्रम में मैं समीक्षा जी को एक मिनट के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा। इंदौर से हमारे बीच उपस्थित हैं बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी। जब ये श्रम कर रहे थे संयम स्वर्ण महोत्सव को पूरे भारतवर्ष में आयोजित करने का, तब 21 लोगों की टीम एक काम कर रही थी जिसमें समीक्षा जैन जो CA फाइनल की परीक्षा में प्रवेश प्राप्त कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पूरे वर्ष भर अपना श्रमदान इस संयम स्वर्ण महोत्सव के लिए प्रदान किया है। मैं समीक्षा जी को बहुत आदर सहित मंच पर निमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आकर के श्रीफल समर्पित करें और हम संयम स्वर्ण महोत्सव पर प्रकाशित उस सिक्के को उनके हाथों में समर्पित करते हुए उन्हें सम्मानित करेंगे। समीक्षा जी सम्मान मंच पर निमंत्रित है, कृपया आ जाए, शीघ्रता से वो आ जाएंगी क्योंकि समय बहुत सीमित है। समीक्षा जी कृपया आप बहुत शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। जब तक उनके आने का क्रम हो रहा है रुक जाएं, क्योंकि समय हमें बचाते हुए चलना है, 1-2 मिनट उन्हें आने में लगेगा। तब तक हम पाद प्रक्षालन करने वाले पात्र का चयन इस मंच से कर लें। आज कौन होगा वो सौभाग्यशाली जबकि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज 50वें दीक्षा वर्ष से 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। कोई ऐसा पूरे भारतवर्ष में एकमात्र बड़भागी होगा जिसके हाथों में वो कलश होंगे जिसमें प्रासिक जल होगा, उन प्रासिक जल से आचार्य भगवंत के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त होगा। कहां से ये बोली प्रारंभ की जाए, कौन सौभाग्यशाली होगा, बहुत शीघ्रता से मानसिकता बना लेना, 2 मिनट के अंदर हमें इस क्रम को संपन्न करना है। आप सभी के बीच से उस पात्र का चयन, मित्रों असीम पुण्य जिन्होंने संचित किया होगा आज वही अपने हाथों में कलश लेकर के आचार्य भगवान के पावन पाद पंकजों का प्रक्षालन करेंगे। ₹11,111,111 गुरुदेव के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन करने वाले श्रेष्ठी का हम चयन कर रहे हैं। तो आप सभी के बीच से ये हजारों लोगों का जन समुदाय आज है और टीवी चैनलों की बात करूं तो आज करोड़ों करोड़ लोग अपने घरों में बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इन करोड़ों करोड़ लोगों की दृष्टि में एकमात्र ऐसा श्रावक होगा जिसके पुण्य की प्रशंसा सारे लोग मिलकर के एक साथ करेंगे कि खजुराहो पहुंच करके और आज के दिवस आचार्य भगवंत के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन करने वाला वो श्रेष्ठी बना। मित्रों, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा 50वें दीक्षा वर्ष का, उस श्रेष्ठी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा कि उसने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए आज इस पुण्य का संचय किया। 11,11,111 एकमात्र श्रेष्ठी का चयन आज यहाँ पर होना है। बहुत से भावों को बनाते चलना, मंच तक जब आप चल करके आएंगे तो हजारों लोगों की करतल ध्वनि आपके सम्मान की अनुमोदना में बजेंगी। इतना धीरे नहीं चलेंगे, अब तो एक्सप्रेस हाईवे का जमाना है, अब तो पगडंडियों का जमाना खत्म हो गया। 13,00,000 करो, 13,00,000 13,13,113 रुपया
13,13,113 रुपया। पाद प्रक्षालन करने वाले सुपात्र का हम सभी लोग चयन कर रहे हैं, 13,13,113 रुपया। मित्रों कभी ये कल्पना करना क्या 2018 के बाद कभी ये समय हमारे जीवन में आएगा कि हम खजुराहो में ऐसे बैठ करके 50वें दीक्षा वर्ष के अंतिम तिथि में बैठ करके आचार्य भगवान के पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। 51वें 52वें वर्ष में तो कर पाएंगे, लेकिन 50वें 15,15,115 रुपया। मित्रों 50वें दीक्षा वर्ष की अंतिम तिथि में कोई एकमात्र श्रावक होगा जो इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा, 15,15,115 रुपया। मित्रों 2 मिनट का समय शेष बचा हुआ है, जिसके भाग्य में पुण्य होगा वो आज इसे संचित करके चला जाएगा। जब से मिला मुझे गुरु दरबार अपनी तो किस्मत बन गई है। पंद्रह लाख पंद्रह हजार एक सौ पंद्रह रुपया। मित्रों हजारों लोगों के बीच में एक नाम की हमें आवश्यकता है, जिसने भाव बना लिए होंगे, जो घर से चला होगा ये सोच करके कि खजुराहो जा करके आज इतना पुण्य कमा करके लौट करके आना है कि पूरे जीवन वो पुण्य साथ में चलता रहे, वही श्रावक अपने भाव यहाँ बना पाएगा। 15,15,115 रुपया। पाद प्रक्षालन करने वाले सुपात्र का हम चयन कर रहे हैं, 15,15,115 रुपया। एक बार पिछियर का मंडल गुरु है दिगंबर, पिछियर का मंडल गुरु है दिगंबर, दिगंबर छवि गुरु के मन भा गई है हमको, दिगंबर छवि गुरु के मन भा गई है। सुनो भाई तो खुशियाँ मनाओ, नगर में गुरु आई हुई है, नगर में गुरु आई कि आप सभी के बीच में धनपति कुबेर तो सभी हैं और सभी ने चंचला लक्ष्मी को अर्जित किया है, पूरा जीवन हम सभी लोगों ने इस धन को संचय करने में लगाया है, लेकिन जो लोग इस धन से पुण्य को संचित करने की कला जानते होंगे ऐसे श्रावक का चयन आज हम सभी को इस मंच से करना है। रत्नों के बरसे बदरिया गुरु तुम्हारे एक सौ ग्यारह क्लस बजा था जोरदार। आचार्य भगवान के पावन चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य, वो सौभाग्यशाली परिवार आज देखना है आचार्य भगवान के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव के पावन अवसर पर कौन सौभाग्यशाली रहेगा आज जो आचार्य भगवान के पावन चरण तक पहुँचेगा। नहीं मांगता हीरे मोती खजाना, मुझे मेरे गुरुवर अपने जैसा बनाना, मैं तो दीवाना दीवाना। प्रथम आचार्य भगवान के पावन चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य हमारे इस देश के भामाशाह आदरणीय अशोक जी पाटनी बजाट का सम्मान में डालिया। दूसरा नाम रुचिर जी जैन सतना बजावन के सम्मान में दोनों परिवार के आए और पूज आचार्य भगवान के पावन चरणों का पाद प्रक्षालन करें। ये तालियां कमजोर दिखाई देती है मित्रों, तालियों की अनुमोदना से पुण्य हम जरूर संचित करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां पूरे सदन में, किसी के हाथ नीचे न रहे, एक बार महोत्सव होना चाहिए तालियों का, दोनों हाथ ऊपर दिखाई दे सभी के। आइए दोनों महानुभाव, दोनों महानुभाव ने 111 कलश की राशि यहाँ पर प्रदान की और आचार्य भगवान के पावन चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां 111 कलश जैसी ही बजना चाहिए आपकी, बजाइए जोरदार। अब आइए 15 कलश 15 श्रीफल वाले खड़े हो जाए वहां से, 15 की जिनकी बोली थी वो खड़े हो जाए वहां से, 15 वाले खड़े हो जाए, 15 वाले। अच्छा झांझरी जी है क्या, झांझरी किस कर लो आप, तो आइए झांझरी जी। मेरा मन तो दीवाना हो गया छोटे बाबा तेरा, मेरा मन तो दीवाना हो गया छोटे बाबा तेरा। ओम ओम
दो व्यक्ति आएंगे। अजय जी का निवेदन है, राकेश जैन साहब DIG साहब उनके साथ आए हुए, कृपया आदरणीय प्रभात जी पहुंचे। अशोक भाई साहब आपको याद कर रहे हैं, प्रभात जी वहां पहुंचे, पंकज जी और प्रभात जी, कमलेश जी चाचा कोहले वाले पेप्सी ग्रुप से, कमलेश जी भाई भैया बुला रहे, भैया अशोक भैया बुला रहे हैं आपको, अशोक जी पांडे साहब बुला रहे हैं वहां पर पहुंचे आप लोग, बजाए तालियां। और अजय दत्त कसिया जी के परिवार के सभी सदस्य जाएंगे। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, चरणों में हमको जगह मिल गई है, चरणों में हमको जगह मिल गई है, चरणों का दौर कौन मिल गया, छोटे बाबा जी के परिवार के सभी सदस्य आ जाएंगे। आ जाइए राजन, आदरणीय राजन कुमार जी, अजय कुमार जी धनकसिया अजमेर पहुंचे आप, आइए। सुभाष जी आगरा से कृपया भी आ जाए। और जतारा जैन समाज ने घोषणा की है कि 501 वृक्ष वो अपने नगर में लगाने की घोषणा करने जा रहे हैं, हम उन्हें भी साधुवाद देते हैं। कृपया मेरा निवेदन जिन नामों का, राजेंद्र जी ओम शांति, राजेंद्र जी अजय कुमार जी धनकसिया जो परिवार का जो भी जहाँ भी बैठे हैं वो आगे आ जाए, थोड़े से आगे आ जाए आप लोग, अजय भैया पहुंचे, अजय भैया पहुंचे ऊपर। और इस बीच अगर समीक्षा जी, इंदौर निवासी समीक्षा जी यदि आ गई हो कृपया मंच पर आ जाए, कमलेश जी भी कृपया शीघ्रता से मंच पर आ जाए, समीक्षा जैन इंदौर से हमारे बीच है, मेरा निवेदन आ जाए, हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। राकेश जी DIG साहब कीजिए माइक वाले भैया, कमलेश जी वाइस प्रेसिडेंट पेप्सी ग्रुप दिल्ली से हमारे बीच हैं, बेबी निमंत्रित हैं, कृपया आ जाए मंच पर। सुभाष जी साहेब आगरा से हमारे बीच हैं, शीघ्रता से आ जाए। महेंद्र जी और अजय जी कोटा से कृपया आ जाए शीघ्रता से, महेंद्र जी भोपाल से मेरा निवेदन आ जाए। और अगले क्रम में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, शीघ्रता से इस क्रम को आप संपन्न करें मेरा निवेदन होगा। समीक्षा जैन यदि हो तो मेरा निवेदन कृपया एक मिनट के अंदर मंच पर आ जाए, सभी ने निवेदन है उनसे। और इसके बाद हम सभी लोग प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की जो प्रस्तुति होने जा रही है उससे पूर्व शास्त्र दान करने वाले पात्र का हमें चयन करना है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन हस्त कमलों में शास्त्र समर्पित करने वाले पात्र का चयन, बहुत शीघ्रता से उस पात्र का हम सभी लोग चयन करें मेरा निवेदन होगा। कौन होगा वो सौभाग्यशाली जिसके हाथों में आज मां जिनवाड़ी होगी और मां जिनवाड़ी लेकर के वो मंच तक चल करके आएगा और अपने उस भाग्य को जागृत करेगा कि आज के दिवस आपके हाथों से आचार्य भगवंत के पावन पुनीत और पवित्र हस्त कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 11,11,111 रुपए, 11,11,111, 1, 2, 3 एक सौभाग्य प्राप्त किया है आदरणीय सुशीला भाभी, अशोक जी पार्टी आर के मल कृष्णगढ़ बजा तालियों के सम्मान में आइए सुशील भाभी जी, सुशील भाभी जी आए और पूज आचार्य भगवान के पावन कमलों में साक्षदान करें, आइए सुशील भाभी जी, अशोक भैया पहुंचे आप। और अब अगली प्रस्तुति प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की छात्राओं के माध्यम से और उसके साथ ही पूजन के क्रम में फिर हम प्रवेश करेंगे। एक बार बड़ा सुख पाया, ओ बड़ा सुख पाया जिनवाड़ी माँ की शरण में, समीक्षा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उन्हें सम्मानित करें मेरा निवेदन, कृपया आएं और आकर उनके हस्त कमलों में संयम स्वर्ण महोत्सव का एक सिक्का उन्हें प्रदत्त करें। समीक्षा जी सामने की ओर आ जाएं आप, शीघ्रता से उन्हें हम सभी लोग सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की सदन में बज जाए। श्रीमती सुशीला भाभी जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन होगा कि उनके हस्त कमलों से समीक्षा जी सम्मानित हों। और निरंतर आप सभी की घोषणाएं हमें प्राप्त हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति अपने नगर ग्राम में कोई 500 कोई 1000 वृक्ष लगाने की घोषणाएं कर रहा है, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है, हम आप सबके भावों की अनुमोदना यहीं से कर रहे हैं। मेरे पास जो सूची आई है तकरीबन 52,000 वृक्ष लगाने की स्वीकृति आप सभी के माध्यम से हमें प्राप्त हो गई है, एक बार सभी के सम्मान में आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा दें।
इस नगरी में बह रही रे बह रही रे धर्म के आज इस नगरी में प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की छात्राओं के माध्यम से वो अनुपम प्रस्तुति आप सभी के बीच होने जा रही है, क्योंकि हम सभी लोगों ने मंच पर देखा है कि प्रतिभा स्थली का नाम आते ही सारे लोग आनंदित हो जाते हैं और तालियां बजाने के लिए कभी किसी को कहना नहीं पड़ता, इतनी जोरदार तालियां बजा करती है। तालियों के मध्य आमंत्रित करें इन छात्राओं को। खनिया दाना समाज द्वारा 5100 वृक्षारोपण की घोषणा की गई है। बनाजी ट्रस्ट कमेटी द्वारा भी 500 पौधे लगाने की घोषणा की गई है। हे गुरुदेवा सत्य सत्य तुम्हें प्रेमा। और देखिए आज दूसरी तरफ से शास्त्र दान करने का सौभाग्य महेश जी बिलहरे वाले सागर बजा उठ के सम्मान में तालियां 5,55,555 की राशि उन्होंने प्रदान की है। आज साथी करेंगे आइए आनंद जी से गई महेश जी बिलहरे ने सौभाग्य प्राप्त किया है शास्त्र दान करने का। आ जाओ आनंद जी स्टील सभी साथियों सहित आप भी आ जाए कृपया। संयम स्वर्ण महोत्सव फल संयम स्वर्ण महोत्सव फल हरि ते तुम्हें हो गया अगला कार्यक्रम। भैया कहाँ गए अमित जी? नाभागढ़ क्षेत्र के अंदर 101 वृक्ष लगाने का है इन्होंने आज संकल्प लिया है। तालियां बजाओ उनके सम्मान में नाभागढ़ क्षेत्र। हम सब मिलकर बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु अचे श्री जी, नमोस्तु अचे श्री जी, नमोस्तु अचे श्री जी। हम सर्वप्रथम आज के इस पावन दिवस पर आचे श्री के चरणों में इस संसार के समस्त प्राणियों की ओर से बारंबार अपना समर्पण अर्पण करते हुए हमारी छात्राएं थोड़ा विलंब होने के कारण तैयारी में हैं, उसके पूर्व हम सर्वप्रथम गुरु चरणों में अर्पण करते हुए पूजन का समर्पण करते हैं।
और आचार्य श्री से पूजन की हम अनुमति चाहते हैं। हे गुरुवर, जय बोलिए संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। गुरु पूजा का शास्त्र में देवा लिखित विधान ब्रह्मा महेश से ऊंचा गुरु का सभा के आयोजन में आप समस्त देवगणों को यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज संयम सम्राट धरती के देवता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज के दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जय हो, जय हो, धन्य धन्य। ऐसे अतिराज ने संयम के साथ 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। हे स्वामी, हम सभी को ऐसे महान संत के दर्शनों की तीव्र लालसा उत्पन्न हो रही है। हाँ हाँ देवराज, हम सभी उन महात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य, केवल दर्शन ही नहीं, हम सभी मिलकर गुरुदेव के चरणों में पूजा अर्चना भी करेंगे। चलिए हम सभी भूलों की ओर प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण। नारद जी आप? प्रणाम नारद जी। आयुष्मान भव। हे इंद्रराज, इतने प्रफुल्लित मन से, इतने शुद्ध भावों से आप सभी का कहाँ के लिए गमन हो रहा है? हे देवर्षि, आज हम सभी स्वर्ग के देवगण धरती के महामना संत शिरोमणि के दर्शन हेतु जा रहे हैं। नारायण नारायण। पृथ्वी पर साधु महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं आप? जरा संभल कर जाइए, कहीं आपके सम्यक्त्व में दोष ना लग जाए। नहीं नहीं नारद जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं जिनकी वंदना करने जा रहा हूँ वे सच्चे गुरु हैं, और सच्चे गुरुओं का स्वरूप उनके मात्र दर्शन करने से समझ में आ जाता है। हाँ, और सुनिए नारद जी, जैनागम में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने श्रावकाचार्य की गाथा में कहा है कि विश्यासा वशाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस्य तपस्वी स प्रसश्यते। अर्थात जो विषयों की आशा से रहित होते हैं, आरंभ परिग्रहों से रहित होते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ऐसे साधु सदा प्रशंसनीय होते हैं। नारायण नारायण। सच्चे गुरु तो अवश्य हैं, परंतु परंतु क्या नारद जी? नारद जी, चूंकि आपकी बुद्धि सदैव अन्य प्रकार से चलती है, अतः अवश्य कोई संशय या भ्रम आपके चित्त में है, तो आप हमसे कहिए, आपके संशय का निवारण हम अवश्य करेंगे, अन्यथा आपके सम्यक दर्शन का क्या होगा? नारायण नारायण। नारायण नारायण। इंद्र महाराज, हमने पृथ्वी पर कई लोगों के मुख से सुना है कि पृथ्वी पर साधुओं एवं आचार्य महाराज के आशीर्वाद से शैक्षणिक संस्थाएं वस्तु निर्माण की योजनाएं संचालित हो रही हैं। नारद जी,
वस्त्र निर्माण की नहीं अहिंसक वस्त्र निर्माण की योजनाएं संचालित हो रही हैं। हाँ वही तो, क्या आवश्यकता है इन सब कार्यक्रमों की, जिसका जब जो होना होगा होगा। आखिर सभी के अपने अपने कर्म और उपादान होते हैं। सही कह रहे हैं नारद जी, यदि ऐसा ही आकाश मार्ग से गुजरते हुए दो चारण वृद्धिधारी मुनिराजों ने महावीर भगवान के जीव को सिंह के पर्याय में हिरण का मांस खाते समय सोचा होता तो क्या होता। नारायण नारायण जी। नारद जी, वे मुनिराज भी तो सोच सकते थे, सिंह है, मांस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, हम क्यों संबोधन दें इसे, तीर्थंकर तो इसे बनना ही है, बन जाएगा। पर उनके संबोधन से ही उस सिंह ने मांस का त्याग किया, वहीं से प्रारंभ हुआ उस जीव का उत्थान। जी हाँ नारद जी, आप तो स्वयं ग्रंथों के जानकार हैं, आगम के ज्ञाता है, क्या आपने नीति वाक्यामृतम में नहीं पढ़ा, आत्मवत् परत्र कुशल वृत्ति चिंतनम शक्ति तस् त्याग तपसी च धर्मानिगमो पाया, अर्थात अपने समान दूसरे प्राणियों के हित में चिंतन करना, शक्ति पूर्वक पात्रों को दान देना और तपश्चर्या करना, ये धर्म प्राप्ति के उपाय हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव अब स्वयं के हित के साथ साथ इस संसार में भटकते प्राणियों के हित का चिंतन कर करुणा को हृदय में धारण कर अहिंसा का उपदेश देते हैं। नारद जी, आपने धरती के देवता की निष्प्रियता नहीं देखी, जिन्होंने कई शिक्षण संस्थान आश्रम चिकित्सा केंद्र आदि खुलवाए, परंतु स्वामित्व भाव से ये कोसों दूर हैं, गौशालाएं खुलवाई पर स्वयं दूध का सेवन नहीं करते, अहिंसक वस्त्र बनाने की प्रेरणा देते हैं परंतु स्वयं वस्त्र नहीं पहनते, ऐसे कर्ता भोक्ता बुद्धि से रहित आचार्य श्री को हमारे सदैव नमन है। नारद जी, राजर्षि अमोघवर्ष मुनिराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में सच्चे गुरु के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है, भगवन किम उपादेयम् गुरु वचनम हेमपि च किम कार्यम् को गुरु अधिकत तत्व सत्व हिताभ्युदता सततम्। अर्थात जिसमें शिष्य पूछ रहा है उपाधेय क्या है, गुरु के वचन ही उपाधेय हैं। गुरु कौन है, जिसने तत्वों को समझ लिया तथा जो निरंतर प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। नारायण नारायण। आप सभी देवगण तो बहुत ही पांडित्य दर्शा रहे हैं, साधु की चर्या महान होती है, गृहस्थों को कितना भी उपदेश दो वे तो पाप कार्यों में संलग्न हो ही जाते हैं। नारद जी, अगर वर्षों पहले ऐसा हमारे समत भद्र आदि आचार्यों ने सोच लिया होता तो इतने सारे श्रावकाचार्यों की रचना न हुई होती, और स्वयं तीर्थंकरों ने भी श्रावक धर्म और मुनि धर्म दोनों का उपदेश न दिया होता। नारायण नारायण। तीर्थंकरों ने उपदेश तो दे दिया है, पर लोग जो चर्चा करते हैं उसका क्या देवगण? चर्चा का क्या है नारद जी, लोगों को कहने के लिए कुछ तो चाहिए। आपको पता नहीं होगा, जब पृथ्वी लोक पर प्रतिवसली हिंदी माध्यम से हुई तो लोगों ने चर्चा करना प्रारंभ कर दिया कि अब कौन भेजेगा अपनी बेटियों को प्रतिवसली। पर आप जरा पृथ्वी लोक पर झांक कर देखिए, पांच पांच प्रतिवसली खुल गई है, फिर भी स्थान कम पड़ रहे हैं और मांग बढ़ती जा रही है। नारायण नारायण। बात तो आपकी सत्य है इंद्र महाराज, पर एक बात बताइए, शिक्षा संस्थान से लाभ समझ में आता है, चिकित्सा केंद्र भी लाभकारी है, परंतु ये हथकरघा कैसे हितकारी है, इससे कैसे जन कल्याण होगा? नारायण नारायण। नारद जी, क्या आप सचमुच में नारद जी ही हैं? आज अगर धर्म की एक शब्द में परिभाषा देनी हो तो वह है हथकरघा। नारायण नारायण। हथकरघा और धर्म वह कैसे? वे ऐसे नारद जी,
अर्थात करगा अहिंसा का स्वरूप है, लोगों को स्वाश्रय जीवन प्रदान करता है, इससे सभी स्वस्थ रहते हैं, श्रमिकों का पोषण होता है, धन का अपव्यय नहीं होता है और समय का सदुपयोग होता है। श्रावकाचार्य में भी कहा गया है कि धर्म जीवों को दुखों से निकाल कर उत्तम सुख में पहुंचाता है। उसी प्रकार यह हथकरघा भी लोगों को रोजगार प्रदान कर उनके दुखों से दूर सुख प्रदान करता है। तो नारद जी, हुआ ना यह भी धर्म, क्योंकि धर्म का मूल ही अहिंसा और दया है। और सुनिए नारद जी, लोग कहते थे कौन पहनेगा हथकरघा के वस्त्र, पर आज इतनी मांग है कि पूर्ति ही नहीं हो पा रही है। कितने ही लोगों के घर बर्बाद होने से बच रहे हैं, लोग अहिंसक जीवन शैली अपना रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, MBA, CA की नौकरी छोड़कर विदेशों से भारत आ रहे हैं। कुछ तो लाभ हो रहा है ना नारद जी? नारायण नारायण, आपकी सभी बातें सत्य और आगम सम्मत है। आपकी सभी बातों से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ और मुझे गुरु महाराज पर अथवा साधु संत पर कोई संशय नहीं है। देवगण, तो इतने प्रश्न क्यों नारद जी? वह तो कुछ बाल बुद्धि को धारण करने वाले लोगों के प्रश्न थे, जिनका निवारण आपके द्वारा हुआ है। नारायण नारायण। हे इंद्रराज, भला उन पर कौन संशय कर सकता है जो स्वयं ही सम्यक्त्व है, रत्नत्रय स्वरूप है, जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत है और आत्मरस अध्यात्म से तरबतर है, जिनका जीवन ही आगम है, जिनकी चर्या ही ग्रंथ है और जिनका उपदेश ही धर्म है। धरती पर एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने संयम का निरतिचार पालन कर आत्म साधना को बढ़ाते हुए जन कल्याण की भावना भाते हुए जन जन के हृदय में बिना किसी विज्ञापन के अपना स्थान बनाया है। आप सत्य कह रहे हैं नारद जी, जिनकी केवल एक दृष्टि और मधुर मुस्कान प्राप्त करने के लिए जनता अपनी सुधबुद खोकर भागी चली आती है। ऐसे शुद्ध परम आत्मलीन महान योगेश्वर के चरणों में सदैव हमारा मस्तक झुका रहेगा। नारायण नारायण। इंद्रराज, आप गुरुदेव के पूजन में जा रहे हो तो यह निवेदन करके आना कि स्वर्ग लोक में भी हथकरघा जैसा सक्रिय सम्यक दर्शन केंद्र खुलवाए। जब सब पर कृपा हो ही रही है तो हम देवताओं पर भी गुरुदेव की कृपा क्यों ना हो। अरे नारद जी, आज इस महान महोत्सव को मनाने के लिए कहां कहां से जन समुदाय एकत्रित हो रहे हैं। धरती का प्रत्येक जीव इस संयम स्वर्ण महोत्सव को मना रहा है। तीनों लोकों में इस शुभ दिन की प्रतीक्षा हो रही थी। क्या आप सम्मिलित नहीं होंगे आज के इस महान महोत्सव में? आइए, समस्त स्वर्ग के सभी देवगण आचार्य श्री जी के पूजन के लिए प्रस्थान करते हैं। इंद्रराज, एक कहावत है, अंधा क्या चाहे तो आंखें। चलिए महाराज, मैं तो इसी दिन का और आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए, हम सभी गुरुदेव के पूजन के लिए चलते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी। बाजे बाजे रे शहनाई गुरु थारे नाम की, बाजे बाजे रे शहनाई गुरु थारे नाम की, आया संयम सैन महोत्सव हमारे आंगन आज जे, आया संयम सैन महोत्सव हमारे आंगन आज जे, आए शुभ घड़ी आए ते थकल रात जे, आए शुभ घड़ी आए ते थकल रात जे, आया संयम सैन महोत्सव हमारे आंगन आज जे, आया संयम सैन महोत्सव हमारे आंगन आज जे। I'm gonna make it right.
जी आज आचार्य भगवान की महामंगल पूजा करने का सौभाग्य बालिका मंडल और यहाँ की महिला मंडल खजुराहो की इनने सौभाग्य प्राप्त किया। ताली बजाओ के सम्मान में। यहाँ पर अष्टद्रव्य से आचार्य भगवान की पूजन होगी। अशोक जी फाटनी हार के मार्बल जल लेकर के आएंगे। रुचिर जी जैन सत्रह वाले चंदन लेकर के आएंगे। राजू सेठ छतरपुर आगे नंबर से आते जाना है और अपने स्थान पर ही चढ़ना है, मंच पर नहीं आना किसी के लिए। राजा जी सूरत, पंकज जी दिल्ली, विनोद जी कोयला वाले। इसके बाद नंबर रमेश जी इंजीनियर सतना वाले प्रेमी परिवार। इसके बाद प्रभात जी, पंकज जी मुंबई, डॉक्टर सुभाजी साय और सुधीर जी कटनी, इनका नंबर आएगा। अभी आचार्य भगवान की महामंगल पूजन हो उसके प्रारंभ में सास दास करने का सौभाग्य राजू सेठ, राजू सेठ छतरपुर के सम्मान में। इन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य है। पूरा परिवार पूज आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में साझदार करें। आइए राजू सेठ। अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्या सागर गुरु। एक दीदी एक मिनट, सिर्फ एक मिनट दीदी, एक मिनट। हाँ जी आनंद जी, आनंद जी, अजित कुमार जी, आनंद स्टील सागर। मैं जो यहाँ पर पांच नाम बोलूंगा, इन्होंने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सागर के सर्वतो भद्रो सस्तूर जनाले में अपने परिवार की ओर से प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज आनंद जी स्टील सागर, राकेश जी तरुबा, सुरेंद्र जी कर्राबो, राजे जी लोर नायक, देवेंद्र कुमार जी जेना स्टील, रमेश कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, संतोष कुमार जी बिलहरा वाले। इन महानुभावों ने अपना परिवार की ओर से सर्वतो भद्र जिनालय में ये तीन तीन मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ताली बजाने के सम्मान में आए हो पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरणों में शिवन पाठ करें। परम पूजनीय आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से खजुराहो क्षेत्र को एक नई सौगात प्राप्त हुई। जब पूज आचार्य भगवान ने यहाँ की टेस्ट कमेटी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शास्त्रपुर जिनालय का आशीर्वाद प्रदान किया। हाँ जी, और इसमें पूज आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो शास्त्रपुर जिनालय बनेगा, ऊपर की चार प्रतिमाएं विराजमान होंगी, जिसमें तीन नाम हमारे पास आ चुके हैं। तीन लोगों ने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से स्वीकृतियां प्रदान कर दी। उसके नीचे बारह प्रतिमाएं विराजमान होंगी, जिसमें चार प्रतिमाओं के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। चार प्रतिमाओं की स्वीकृति हो चुकी है। अब उसमें आठ प्रतिमाएं बाकी है और नीचे 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी, जिसकी राशि 1,99,000 रुपए की राशि रखी गई, जिसमें करीब करीब 350 मूर्तियों की स्वीकृति यहाँ पर मिल चुकी है। जो भी महानुभाव आज संयुक्त महोत्सव के पावन अवसर पर अपना परिवार की ओर से प्रतिमाएं विराजमान करना चाहते हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं को अपने नाम लिखवा दें। आशीर्वाद सबको प्राप्त हो जाएगा। एक एक प्रतिमा एक एक परिवार की ओर से रखना ना भूलें। ये अवसर अपन को मिला है तो अवसर अपने हाथ से ना जाने दें। सिर्फ 1,91,000 एक प्रतिमा की राशि रखी गई। जो भी महानुभाव ये अपने परिवार की ओर से प्रतिमाएं विराजमान करना चाहता है, अपनी स्वीकृतियां हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में आएंगे, उनको लिखवा दें। एक साथ घोषणा हो जाएगी। दीदी पूजा प्रारंभ करें। हेलो, जबलपुर प्रतिमा स्थली के बच्चे जो भी कार्यक्रम में है वो मंच पे आ जाएं। जबलपुर प्रतिमा स्थली के बच्चे। जमाने में कहां टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। हो तारीफ तेरे निकली है दिल से, आई है लब पे पन के खबर, सदला गबार है I'm gonna go to the hospital.
दीदी लोगों ने पूजा अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी विद्या सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अत्र अवतर अवतर सम्मोषयति आवाहन ओम रुम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी आचार्य श्री विद्या सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम् ओम रुम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी श्री विद्या सागर जी महामुनिन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सन्निधि करणम् संसार की विषयों में पढ़ कर मैंने अपने को भरमाया तेरे आंगन भक्ति भाव की हो जिसने कभी भी आज तक सजदा नहीं किया जिसने कभी भी आज तक सजदा नहीं किया Let it go, let it go, let it
विद्या सागर जी महा मुनिन्द्रेभ्यो सर्वेषाम् अक्षय पद प्राप्ते अक्षतां निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदन से मंगवाल कृष्णा को निरूपामी निशकम्पित निशकम्पः